हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज आपकी जो मैथमेटिक्स की है क्लास है वो क्लास फर्स्ट है। आज की इस सेशन में मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स यानी जो मैथ का जो बेसिक है यानी कि आपको सिलेबस पढ़ने से पहले आपको बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको बेसिक ही नहीं आता होगा तो आप पूरे सिलेबस में आपको मान लो छोटी सी भी चीज़ की अगर आपको नीड होगी तो आप कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, तो उसके लिए बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज के सेशन में मैं ओनली बेसिक आपको बताने वाला हूँ, शुरू से एंड तक जरूर देखें। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है यार, सब्सक्राइब तो कर दिया करो, सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप चलते हैं, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा, जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा होगा इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी होगा, ठीक है, इसका मतलब होता है असमिका, असमिका, ठीक है। इनइक्वालिटी क्या होता है मैं आपको बता दूं, पहले जो आपने मैथ में कुछ इस तरीके के साइन देखे होंगे, इस तरीके के, और ये भी होता है और ये भी होता है, ठीक है ना। और आप इक्वल तो आप जानते होंगे, ठीक है ना। तो जो ये वाले होते हैं ना इनको इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में मैं बताने वाला हूँ, आपने 11th 12th में क्या और भी छोटी क्लासेस जैसे 9th हो गया 10th हो गया उनमें आपने द्विघात समीकरण उनको सॉल्व जरूर किया होगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनको आपने सॉल्व जरूर किया होगा, ठीक है। तो उनको उनमें जो एक्स की वैल्यू होती है वो किस तरीके से निकाली जाती है इनइक्वालिटीज में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें, ठीक है। तो देखिए, मैं सबसे पहले एक कंडीशन आपको मैं बता दूँ, जैसे ए है और एक बी है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि बी से बड़ा है ए, यानी कि ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है ना। तो देखो इसमें कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, इसमें चार कंडीशन होगी। पहली कंडीशन ये होगी कि मैं इस ए और बी इन दोनों में सेम नंबर प्लस कर दूं, यानी इसमें सेम नंबर मैं जोड़ दूं, जैसे ए में मैं के जोड़ दूं और बी में भी के जोड़ दूं, ठीक है। तो क्या होगा, आपसे मैं पूछता हूं कि जो इनइक्वालिटी है वो किस तरीके से लगेगी, ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि भाई इसमें भी ग्रेटर देन ही होगा, क्योंकि दोनों में सेम नंबर प्लस हुआ है और ऊपर पहले से बोल दिया कि भाई ए बड़ा है बी से, तो यहाँ पे भी वही होगा, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या होगी कि ए में से मैं सेम नंबर माइनस कर दूं और बी में से भी सेम माइनस कर दूं, तो क्या होगा। तो आप बोलोगे कि भाई वही होगा जो इसमें हो रखा है पहले से, ठीक है, क्योंकि माइनस तो सेम नंबर हुआ है ना, कोई अलग अलग नंबर तो हुआ नहीं है, तो सेम हुआ है तो वही कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन में मैं बात करता हूँ कि मैं ए ले लेता हूँ और बी ले लेता हूँ, ए में मैं कोई नंबर का भाग लगा दूँ और बी में भी मैं सेम नंबर का भाग लगा दूँ, तो क्या होगा। तो भी आप बोलोगे कि भाई वही होगा जो ऊपर हो रखा है पहले से ही, ठीक है ना। अब फोर्थ कंडीशन और है, इसमें ये है कि मैं इस ए में के का मल्टीप्लाई कर दूँ यानी कुछ गुणा कर दूँ और बी में भी मैं सेम नंबर गुणा कर दूँ, तो क्या होगा। तो भी आप बोलोगे कि भाई वही होगा जो ऊपर हो रखा है पहले से ही, क्योंकि गुणा भी दोनों में सेम नंबर ही तो हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें जो ये दो लास्ट की जो कंडीशन है ना, इसमें एक शर्त है कि जो के की वैल्यू है ना के, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात को, क्या होनी चाहिए, के की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। क्यों, अगर देखो अगर ये माइनस की रख दी मैंने, मान लो थोड़ी देर के लिए कि माइनस वन रख दिया, तो ये तो माइनस हो गया और मैंने यहाँ पे भी माइनस रख दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से होगा, ठीक है। अब इसमें मैं इनइक्वालिटी है ना, जो ये साइन है इसको मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, यानी कि इसको मैं लेस देन बना देता हूँ। अब मैं जो ये लास्ट की कंडीशन है ना इनको अप्लाई करता हूँ मैं, ए अपॉन के और बी अपॉन के, राइट, और दूसरी कंडीशन है ए के और लेस देन बी के, ठीक है ना। अब इसमें के क्या होगा, इसमें के नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर हम इसमें जैसे पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव के लिए है कि इनइक्वालिटी सेम रहेगी, लेकिन मैं बात करता हूँ कि जो के है वो अगर मैंने जीरो से छोटा यानी नेगेटिव वैल्यू ले ली, तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा कि हमने इधर जैसे मान लो माइनस वन ले लिया दोनों तरफ, तो माइनस से गुणा कर दिया दोनों तरफ एक तरीके से, ठीक है ना। इसमें मैं बात कर रहा हूँ माइनस से गुणा कर दिया दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि इनमें अगर मैं माइनस से गुणा कर दूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। आगे मैं जो एग्जांपल है उनमें मैं बता दूंगा किस तरीके से, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है ना तो मैं आगे आपको एग्जांपल से समझा दूंगा, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 2x-3 greater than 0, ठीक है।
अब आपको इसमें x की वैल्यू बतानी है, तो किस तरीके से निकालेंगे? देखो 2x है और माइनस 3 है, तो देखो भाई x की वैल्यू निकालनी है ना, तो हमको इधर की साइड ओनली x रखना है। तो x के लिए हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग भी लगा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर जो ये चारों कंडीशन है ना वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, तो आप इधर कुछ भी जोड़ सकते हो, गुणा कर सकते हो, भाग कर सकते हो और घटा भी सकते हो। तो देखो मैं इधर प्लस 3 जोड़ूंगा, ठीक है ना? तो देखते जाओ आप, 2x माइनस 3 प्लस 3 गेट देन 0। देखो प्लस 3 में इधर ही नहीं, दोनों साइड जुड़ेगा, ठीक है? तो 0 प्लस 3, ठीक है? यहाँ तक सही है, कुछ चेंज थोड़ी हुआ इधर, मतलब कि भाई इधर अलग है और इधर अलग है, दोनों तरफ सेम है ना। तो देखो भाई इधर 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इधर बच गया हमारे पास 2x गेट देन 0 का मतलब नहीं रहा इधर 3, ओके? अब देखो 2x गेट देन 3 हो गया, अब मैं इधर 2 का भाग लगा दूंगा। तो देखो मैं यही लगा देता हूँ, 2 का मैंने इधर भाग लगा दिया, इधर भी और इधर भी, ठीक है? इसके डिवाइड में भी 2 और इसके डिवाइड में भी 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास ये, ठीक है? ये हमारे पास x ग्रेटर देन 3/2 हो गया। तो देखो आगे मैं इसमें x की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ, हम ये लाइन खींचेंगे, तो आपको इस लाइन का तो पता ही होगा कि इसके जो सेंटर होता है इसका वो 0 होता है, इसके राइट साइड होता है 1, 2 और ऐसे ही इन्फाइनिट, और इसके लेफ्ट साइड में क्या होता है -1, -2 और -इन्फाइनिट तक, ठीक है? तो देखो जो ये 3/2 है, ये 3/2 कितनी वैल्यू हो सकती है, समथिंग 1 पॉइंट, ठीक है? यानी कि 1 से तो ज़्यादा ही है, यानी मान लिया हमने कि यहाँ पे 3/2 है, ठीक है? यहाँ पे है, तो देखो 3/2 से ज़्यादा है x की वैल्यू, यानी कि है पॉजिटिव, कुल मिला के पॉजिटिव है, क्योंकि 3/2 से ज़्यादा है, समझ रहे हो? आप तो मैं बता दूँ कि जो इनइक्वालिटी का जो खुला वाला भाग होता है, यानी कि जो खुला हुआ मुंह होता है, उस साइड वो बड़ा होता है, और जिस तरफ ऐसे ऐसे होता है, मतलब जो ये वाली शेप होती है, यानी कि जो ये वाला भाग होता है वो छोटा होता है, और ये जो खुला मुंह होता है ना, खुला मुंह ये बड़ा होता है, ठीक है ना? तो x की वैल्यू बड़ी है 3/2 से, तो यानी कि जो 3/2 है इससे बड़ी है, यानी राइट साइड यानी प्लस इन्फाइनाइट की तरफ है, तो इसको हम इधर रिप्लेस कर सकते हो, यानी कि इसको इधर इस तरीके से बढ़ा सकते हो, ठीक है? तो इसकी वैल्यू हम किस तरीके से लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू 3/2 से कहाँ तक जा सकती है, इन्फाइनाइट तक, क्योंकि 3/2 से बड़ा है x, तो x की वैल्यू इन्फाइनाइट तक जा सकती है, ठीक है? अब एक बात सुनो, इन्फाइनाइट की तरफ तो लगेगा छोटा ब्रैकेट, और जो ठीक है हमेशा ध्यान रखना इन्फाइनाइट की तरफ छोटा ब्रैकेट ही यूज होगा, ठीक है? और 3/2 है तो इसकी तरफ भी छोटा ब्रैकेट, क्यों? इसका रीजन मैं बताता हूँ कि यहाँ पे ओनली बड़ा है, ठीक है? अगर यहाँ पे इक्वल होता ना तो मैं इस 3/2 को ले सकता था, लेकिन छोटा ब्रैकेट लेने के कारण मैं 3/2 को नहीं ले सकता, 3/2 से आगे की वैल्यू इसमें ले सकता हूँ, क्योंकि 3/2 से बड़ा लेना है हमको, ठीक है? तो इस एग्जांपल में यही था, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई है, ठीक है? एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, एक एग्जांपल ये है 2x माइनस 3 अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है? अब देखो इसमें क्या है, इसमें मैं देखो 4 को कैंसिल करना है, यानी कि 4 से इनटू यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड, तो 2x माइनस 3 अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू 2, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, 4 से 4 कैंसिल, तो 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 4 इंटू 2 कितना 8, ठीक है? अब वही कंडीशन इधर की बन गई 2x माइनस 3, तो मैं इसमें जोड़ घटा के लिख देता हूँ 2x लेस देन इक्वल टू 8 और 3 11, ओके? और x की वैल्यू हो जाएगी लेस देन इक्वल टू 11/2, ये हमारी x की वैल्यू। अब देखो x की वैल्यू तो अब निकलेगी, ये हमने लाइन खींच दिया, ये हमारा सेंटर हो गया 0। अब देखो भाई 11/2 यानी कि 11/2 क्या पॉजिटिव है, यानी कि इधर साइड कुछ इस तरीके से इस जगह पर होगा हमारा 11/2, ठीक है ना? क्योंकि ये 5 पॉइंट समथिंग है, ठीक है? अब हमको x की जो वैल्यू है वो 11/2 से छोटी लेनी है, और 11/2 भी हम ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी है, यानी कि x का मान 11/2 भी हम ले सकते हैं, और इससे छोटा तो होगा ही, ठीक है? तो इससे छोटा किधर होगा, लेफ्ट साइड यानी नेगेटिव साइड होगा, इधर की साइड, ठीक है? तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू यानी x बिलोंग करता है किसमें, माइनस इन्फाइनाइट, क्योंकि इधर माइनस इन्फाइनाइट है, तो माइनस इन्फाइनाइट से, और मैंने बताया था इन्फाइनाइट की तरफ छोटा ब्रैकेट, ओके? और इधर हो जाएगा हमारा 11/2, और देखो 11/2 भी x की वैल्यू है, यानी 11/2 को भी हम ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि इधर इक्वल है, तो इधर आ जाएगा बड़ा ब्रैकेट, ठीक है? तो ये हमारी फाइनल x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है? तो दो एग्जांपल से आपको शायद समझ में आ गया होगा इनइक्वालिटी से जो x की वैल्यू है वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा बेसिक
जो हमारा चल रहा था उसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो उसकी तरफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेबिकर मेथड, ठीक है। देखो भाई ये कोई टॉपिक नहीं है, ये कोई नाम भी नहीं है, ऐसे इसको बोल दिया जाता है वेबिकर मेथड, ठीक है। इसका कोई मेथड नहीं है, इसमें मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो आपने छोटी क्लासों में इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना सीखा होगा, तो मैं इसमें डायरेक्ट मैं आपको लिख देता हूँ कि एक तो एक्स माइनस टू होगा और एक एक्स माइनस थ्री होगा ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। देखो भाई अब इसमें एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको दिख रहा होगा कि एक्स की तो दो वैल्यू आ रही है, बट एक्स की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, तो मैं आपको इसमें सिखाता हूँ। देखो हमने एक लाइन खींच दी है, अब आपको इसमें क्या करना है, एक्स बराबर दो आ रहा है तो दो को लिख देंगे, एक्स बराबर तीन आ रहा है तो हम तीन लिख देंगे, बस इतना हो गया। अब आगे लिखेंगे बीच में, इन दोनों संख्याओं के बीच में तो माइनस का साइन और दोनों साइड प्लस, आपको ऐसे भी याद कर सकते हो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है इनइक्वालिटी की तरफ कि इनइक्वालिटी है वो क्या कह रही है, तो इनइक्वालिटी कह रही है कि जो ये वैल्यू होगी एक्स की वो होगी पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि जीरो से बड़ी आ रही है मतलब पॉजिटिव होगी। तो आपको ध्यान रखना है इस नेगेटिव को तो भूल जाना है, हमको देखना है ओनली पॉजिटिव पॉजिटिव को, तो इस पॉजिटिव को कवर करो और इस पॉजिटिव को कवर करो, ठीक है। अब हमारी एक्स की वैल्यू हमको दिख गई है, ठीक है, कैसे, एक्स बिलोंग्स टू इधर क्या है माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से टू तक, ठीक है, तो हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से टू तक, इधर आएगा छोटा ब्रैकेट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, और इधर क्या आएगा टू के साथ, इसमें भी छोटा ब्रैकेट आएगा, क्यों, क्योंकि इनइक्वालिटी के साथ इक्वल साइन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इधर भी छोटा ब्रैकेट। अब यूनियन यानी कि इसमें ये वैल्यू भी ऐड होगी, यानी कि जुड़ेगी नहीं मतलब ये भी इसमें लिखी जाएगी क्योंकि वो भी एक्स की ही वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे हम, तीन से इधर क्या है प्लस इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी, ये छोटा ब्रैकेट और इधर क्या आएगा, इधर भी छोटा ही आएगा, क्यों, इनइक्वालिटी, ठीक है, तो ये छोटा ब्रैकेट, ये हमारी फाइनल एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा वेबिकर मेथड है, कुछ नहीं है, बस सिंपल है, बस एक दो एग्जांपल आप अच्छे से समझोगे ना धैर्य रख के तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मैं कुछ और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम, जैसे मैंने ले लिया एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब आप सोच रहे होगे कि और इसमें एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये तो डिवाइड में आ गया, लेकिन ये भी बहुत ईजी है, आप देखते जाओ बस, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको वो वैल्यू भी नहीं निकालनी है जैसे आपने इसमें ऐसे द्विघात को सॉल्व किया, क्योंकि इसमें द्विघात तो दिख ही नहीं रहा, ठीक है, आपको डायरेक्ट बस सीधा एक लाइन खींचनी है। आपको एक्स इक्वल टू टू दिख रहा है टू लिखो, एक्स इक्वल टू थ्री दिख रहा है थ्री लिखो। अब आप सोच रहे हो भाई ये थ्री टू ये कहाँ से लिख रहे हैं, क्या ये दिख रहा है वो लिख दिया गया, नहीं, आप इन दोनों को जीरो के बराबर करके देखो, यानी कि एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो करके देखो तो एक्स की वैल्यू थ्री आई, और ऐसे ही एक्स माइनस टू को जीरो करके देखो तो एक्स की वैल्यू टू आई, तो टू और थ्री एक्स की वैल्यू आ गई है, तो उनको हमने लिख दिया। अब सिंपल आपको क्या करना है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो अपने इनइक्वालिटी की तरफ, इनइक्वालिटी क्या कह रही है, इनइक्वालिटी कह रही है कि जो हमारी जो वैल्यू है एक्स की वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है, पॉजिटिव भी होगी, ठीक है। तो हमने पॉजिटिव को कवर कर लिया, दोनों तरफ कर लिया। अब हम वैल्यू लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू इधर क्या है माइनस इन्फिनिटी, माइनस लिख दिया इन्फिनिटी, ओके। अब लिखेंगे टू को, टू को लिख दिया, ठीक है, लिख दिया हमने टू को, लेकिन आप एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा इधर छोटा सा, वो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। इधर क्या आएगा, इधर इक्वल साइन है ना, तो हम बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है, यूनियन। अब लिखेंगे इधर थ्री और उधर क्या है प्लस इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी लिख दिया और इधर भी बड़ा ब्रैकेट क्योंकि इक्वल है। तो ये आपकी फाइनल एक्स की वैल्यू है, ठीक है, लेकिन इसमें ट्विस्ट है कि जो एक्स की वैल्यू है ना ये आपकी रॉन्ग है। अब आप बोलोगे कि भाई ये रॉन्ग कैसे है, जैसे आपने ऊपर क्वेश्चन में बताया उस तरीके से तो हो गया, लेकिन आप एक चीज़ भूल रहे हो। आप इधर देखो कि जो एक्स की वैल्यू टू तो आपने लिखी, आपने टू ले लिया, इसमें आपने एक्स की वैल्यू में टू ले लिया, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक्स की जगह पे टू रखोगे ना तो इधर जीरो हो जाएगा और जीरो नीचे होना ही नहीं चाहिए, यानी कि एक्स की वैल्यू तो दो तो होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो आपने ये रॉन्ग ले लिया, तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, एक तो इस तरीके से कि एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे देखो पहला तरीके से मैं इस तरीके से लिखूंगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी और टू दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट, यानी कि इसमें दो इंक्लूड नहीं हुआ है, यानी कि दो से पहले ही हो गया, मतलब एक इसमें इंक्लूड है, ठीक है, यूनियन थ्री से इन्फिनिटी, इधर तो बड़ा ब्रैकेट आएगा,
क्योंकि भाई 3 तो हम ले सकते हैं ना एक्स की वैल्यू, ठीक है, इधर छोटा ब्रैकेट, तो ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू होगी एक्स की, ये राइट होगी, ठीक है। और इसको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से 1। अब 1 पे हम बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है ना, इसमें इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, यूनियन 3 और इन्फाइनाइट, ये हमने ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो दोनों जो एक्स की वैल्यू है इन दोनों में कोई ज़्यादा बिल्कुल फर्क नहीं है, 1% भी फर्क नहीं है, ठीक है, दोनों सेम है, एक्स की वैल्यू हमारी ये होगी ना कि ये, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल और देख लो, नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, अब आपको इसमें x की अलग अलग वैल्यू लिखनी पड़ेगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप माइनस से जो मैंने बताया था ना वो a से इंटू किया था k और भाग दिया था k का, उसमें मैंने बताया था कि इनइक्वालिटी चेंज कैसे हो जाती है, तो इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि जो यहाँ पे माइनस दिख रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस यानी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम दोनों साइड माइनस से गुणा करेंगे, उससे क्या होगा जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 3x, माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस 2, और इधर 0 मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब इधर 0 को माइनस से गुणा करो या प्लस से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है 0 को, ठीक है, लेकिन इनइक्वालिटी को फर्क पड़ता है माइनस से गुणा करने पर, क्या फर्क पड़ता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है माइनस से गुणा करने पर, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन किस तरीके से हो गया, सेम इसके तरीके से हो गया ना। अब आप इस क्वेश्चन की तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं करा देता हूँ, इसमें आएगी एक्स माइनस 1 और एक आएगा एक्स माइनस 2, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, लाइन खींचेंगे हम, एक लिखेंगे 1, आपको दिख रहा होगा 1 और 2, ठीक है, लिख दिया, आप क्या करेंगे प्लस माइनस प्लस, अब देखेंगे हम कि इनइक्वालिटी क्या कह रही है, इनइक्वालिटी कह रही है कि भाई दोनों वैल्यू नेगेटिव लो, तो हमने नेगेटिव ले लिया, ये रहा नेगेटिव, ठीक है। अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, 1 यानी x बिलोंग टू 1 और 2, अब रही बात ब्रैकेट लगाने की, तो ब्रैकेट कैसे लगेगा, दोनों तरफ इस इक्वल को देखते हुए क्या लगेगा, बड़ा ब्रैकेट, ये हमारी x की एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब इन तीन एग्जाम्पल को देने के बाद मुझे नहीं लगता कि और एग्जाम्पल कराने की ज़रूरत है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, देखो भाई इतना मेहनत होता है इसमें, आप एक लाइक करने में कंजूसी कर रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को भी लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब मैं आपको लॉगरिथम, देखो लॉगरिथम के फॉर्मूले मैं आपको इसमें नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि इस लॉगरिथम के फॉर्मूले की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डली हुई है, एक शॉर्ट वीडियो है लॉगरिथम में, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, तो वो आप वहाँ से चेक कर लेना, और लॉगरिथम के फॉर्मूले कंप्लीट उसमें है तो आप उसमें पढ़ लेना, ठीक है, और मैं अच्छे से चेक कर लूँगा, अगर मैंने पूरे फॉर्मूले इसमें नहीं लिखे हैं तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में आपको मैं लॉगरिथम के फॉर्मूले बता दूंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट मेथड की तरफ, कोई बेसिक में और कोई रह गया हो तो मैं अभी देख लेता हूँ, अभी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। देखो भाई कुछ इनइक्वालिटीज मैं और बता देता हूँ आपको, यहाँ पे फर्स्ट है आपकी मोड एक्स, देखो भाई मैं मोड एक्स का जो फंडा है मैं आपको समझा देता हूँ, मोड एक्स क्या कहता है, मोड एक्स कहता है कि अगर आप इसके अंदर माइनस डालोगे ना तो मोड एक्स आपको जो मोड है, ये जो मोडुलस है वो आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है, अगर आप इसमें माइनस डालोगे तो वो आपको पॉजिटिव करके देगा, ठीक है, तो मोड में वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों समा सकती है, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है आपका मोड एक्स लेस देन ए, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो सकती है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है, ठीक है ना, और इनइक्वालिटी सेम चलती रही है ऐसे ही। सेकेंड है मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, तो इसका भी फॉर्मूला यही होगा, बस इसमें चेंज क्या होगा, इक्वल हो जाएगा क्योंकि इसमें इक्वल है, ठीक है। थर्ड है आपका मोड एक्स ग्रेटर देन ए, ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन ए, ठीक है, और जो नेगेटिव आएगा वो हो जाएगा एक्स लेस देन माइनस ए, क्यों, क्योंकि माइनस से इंटू किया हुआ है इधर, ठीक है, तो ये हो जाएगा। फोर्थ है आपका मोडुलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, पॉजिटिव ए, और एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि माइनस से इंटू किया है इसलिए, ठीक है ना, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, कुछ मैं इस तरीके से बता देता हूँ इस तरह। फिफ्थ है आपका ए लेस देन मोड एक्स लेस देन बी, तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी,
एक्स की वैल्यू आएगी इसमें माइनस बी से माइनस ए, ठीक है, यूनियन ए बी। ये आपको ऐसे याद कर लेनी है, ठीक है। बाकी आपको जो मैंने एग्जांपल कराया ना उस तरीके से आप इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि जो मॉडुलस है उसके अंदर आप प्लस और माइनस दोनों वैल्यू समा सकती है, ठीक है ना। इतना ही आप याद कर लीजिए, और बाकी अगर कोई रह गया होगा कोई बेसिक में तो मैं आपको अगले सेशन में बताता चलूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बेसिक था, और भी बेसिक अगर आपको बताना होगा तो मैं आपको बता दूंगा। और अगर आप इन ब्रैकेट्स में अगर कंफ्यूज है आपको कि भाई जो ये छोटा ब्रैकेट है ये किस तरीके से होता है और जो बड़ा है वो किस तरीके से काम करता है, लेकिन इनके अंदर जो वैल्यू लिखी जाती है वो किस तरीके से इसमें होती है, मतलब अगर छोटा ब्रैकेट लगा है तो क्या ए को ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो देखो इतना तो बेसिक नहीं पढ़ा सकते क्योंकि आप कर रहे हो एनडीए की तैयारी, ठीक है। अगर आपको ये ब्रैकेट ही नहीं पता है तो आप एनडीए की तैयारी करके गलती कर रहे हो, ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको ये सारी चीज़ें जो सेट नाम का चैप्टर है, समुच्चय नाम का जो चैप्टर आएगा उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सेशन को कर दीजिए लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।